बस खबर आपको तगतपुर से बताते हैं, जहां पर कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे स्प्रेयर पंप को लेकर क्षेत्र के किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में किसानों का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा 50% का अनुदान के साथ जो स्प्रेयर पंप 2100 रुपए में दिया जा रहा है, जबकि उससे अच्छी गुणवत्ता वाला पंप बाजार में बिना किसी अनुदान के 2200 रुपए में उपलब्ध है। मतलब सरकार अपने पंप की कीमत 4200 रुपए ठहरा रही है। इसी मामले को लेकर किसानों ने कृषि विभाग के उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कृषि विभाग वाले लोग 2100 रुपए बता रहे हैं मूल्य और 50% छूट दे रहे हैं करके किसानों को गुमराह में रखा गया है, तो उससे अच्छा अपन मार्केट में खरीद रहे हैं वही अच्छा है और बहुत सक्सेसफुल है। वो शासन का जो योजना है उसमें 4200 रुपए निर्धारित रेट आया है, जो शक्ति नाम से स्प्रेयर है, और शासन की योजना है उसमें 2100 रुपए में दिया जा रहा है आम किसानों को, जो कि बहुत ही गलत है। यदि बाजार में उसी में कमाल यदि उनको कम कीमत में उपलब्ध हो तो किसान ले सकते हैं। और हाँ, बाजार ये होता है कि अलग अलग मेक के तो अलग अलग रेट होते ही हैं, लेकिन इसमें जो हमको ऊपर से आया है इस मेक का यही